जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का समापन महाअष्टमी और महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। ये दो दिन नवरात्रि में सबसे खास माने जाते हैं। इन्हीं दो दिनों में कंजक पूजन भी किया जाता है। इस दिन नौ कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बिठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। श्रृंगार का सामान उपहार में दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये नौ कन्याएं माँ के नौ स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि कंजक पूजन के बिना नवरात्रि में की गई पूजा विफल जाती है। इसीलिए जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाते वो भी कन्या पूजन जरूर करते हैं। लेकिन कई बार लोगों को पूरी नौ कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती, या फिर कोई कन्या नहीं मिल पाती है, और कई बार तो किसी कारणवश कन्या पूजन नहीं कर पाते, तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। देवी पुराण के अनुसार अगर आपको कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं मिली है, तो अगर आपके घर पर कोई कन्या है तो आप उसे भी कंजक के रूप में पूज सकते हैं। इससे आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। इसके लिए आप उस कन्या के पैर धोकर उसे साफ कपड़े पर बिठाएं, फिर तिलक लगाकर उसकी पूजा करें और उसे भोजन दें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वो इसे स्वीकार करें। भोजन के बाद कन्या को दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ जरूर दें और इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। लेकिन अगर आपके घर में भी कोई कन्या नहीं है तो दुर्गा सप्तशती के अनुसार आप माँ को भोग लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर उसका पुण्य पा सकते हैं। इसके अलावा अगर कंजक पूजन के लिए कन्या नहीं है या फिर कोई कन्या कम पड़ रही है, तो आप घर में हलवा पूरी व चने का प्रसाद बनाकर माँ को भोग लगाकर इसे किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। याद रखें, प्रसाद के साथ दक्षिणा जरूर दें और मंदिर में अगर कन्याएं हैं तो उनके पैर जरूर छुएं। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है, तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीजों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे दें। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना फल मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।